नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं आशुतोष कुमार आ गया हूँ फिर एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार कृषि विभाग वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे कृषि विभाग में जो है 9000 का वैकेंसी आया हुआ है बिहार में। तो कौन कौन से पदों पर जो है बहाली निकाली गई है बिहार सरकार की तरफ से, आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बाय डिटेल आपको बताने वाला हूँ। क्या योग्यता भी रखा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कब से ये आवेदन स्टार्ट होने वाला है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए, तभी जो है आपको समझ में आएगा इस वैकेंसी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये 9000 वैकेंसी जो है किस किस पद पे बहाली किया गया है और इसका योग्यता क्या है। तो चलिए हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे और वहां समझते हैं कि ये कौन कौन से पदों पे जो है बहाली किया गया है और इसका ऑनलाइन आवेदन कब से होने वाला है। तो चलिए डेस्कटॉप स्क्रीन पे, तो आप मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको एक पेपर कटिंग दिख रहा होगा जहाँ की आपको बताया गया है कि कृषि विभाग में 866 BAO समेत 9000 पदों पे होगी बहाली, किसानों को डीजल अनुदान शीघ्र। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृषि विभाग में जो है 866 BAO समेत जो है 9000 अलग पदों पे यहाँ पे भी बहाली होने वाली है। तो कौन कौन से पदों पे बहाली होने वाली है चलिए वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इन पदों पे हो जाएगी भर्ती। तो यहाँ पे आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है कृषि समन्वयक पे कितना हो रहा है, तो उसके लिए मैंने आपको एक पोस्ट में टोटल डिटेल जो है बता दिया है कि किस दिन से इसका आवेदन होने वाला है, कितने पदों पे बहाली होने वाला है और कौन कौन से पदों पे बहाली होने वाला है और कितना पद उनका है। तो चलिए वो पोस्ट पे, और ये पोस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ से कि आप डायरेक्टली इस पोस्ट पे आ सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो है हम लोग चलते हैं नीचे और यहाँ पे वैकेंसी डिटेल में देखते हैं कि किन किन पदों पर जो है बहाली होने वाला है और कितने पदों पर है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे कृषि समन्वयक पे जो है 1469 पदों बहाली होने वाली है और प्रखंड कृषि पदाधिकारी पे 866 पदों पे जो है बहाली यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद जो है प्रखंड उद्यान पदाधिकारी जो है यहाँ पे 358 पदों पे होने वाला है। उसके बाद सहायक प्रोफेसर कृषि कॉलेज जो है 311 पदों पे यहाँ पे उनका बहाली होने वाला है। उसके बाद जो है गैर शिक्षकन कर्मियों की पद जो है यहाँ पे 883 रखा गया है, और यहाँ पे कृषि सलाहकार का जो है किसान सलाहकार का भी यहाँ पे एक पद दिया गया है जो कि 2166 पोस्ट पे जो है यहाँ पे बहाली होने वाला है। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे में देख लीजिए, भूमि संरक्षण के तहत अमीन भी यहाँ पे जो है बहाली किया गया है जो कि 228 पदों पे यहाँ पे उनका बहाली होने वाला है। और उसके नीचे में जैसे ही देखिएगा, भूमि संरक्षण के तहत सहायक निर्देशक उद्यान एवं अन्य जो यहाँ पे 89 रखा गया है, यानी कि 79 रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे प्रखंड तकनीकी प्रबंधक जो BTM है उनका यहाँ पे पद जो है 288 पद पे उनका बहाली होने वाला है। और उसके नीचे में जैसे कि देख सकते हैं, कृषि सहायक तकनीकी प्रबंधक उनका यहाँ पे 587 पदों पे होने वाला है। और यहाँ पे अन्य पद भी हैं जो कि अन्य पद में 1525 पदों पे बहाली होने वाला है। टोटल जो है पद आपका यहाँ पे 9000 पदों पे इनका बहाली होने वाला है। जैसा कि यहाँ पे आप पेपर कटिंग फिर से देख सकते हैं कि कृषि विभाग में 866 BO समेत जो है 9000 अलग पदों पे भी बहाली होने वाली है। तो यहाँ पे आपको टोटल डिटेल जो है बताया गया है। तो इसका चलिए इस पदों की योग्यता के बारे में पता कर लेते हैं कि इसका में जो है फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो योग्यता में आपको 12th होना चाहिए। उसके बाद जो है अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता है, आपको यहाँ पे मिनिमम 12th होना चाहिए। उसके बाद जो है और पदों के लिए यहाँ पे बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर से आप यहाँ पे ग्रेजुएशन किए हुए रहना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कुछ पद जो है यहाँ पे 12th के लिए है और कुछ पद ग्रेजुएशन पास के लिए है। तो इसका अप्लाई ऑनलाइन कब से होने वाला है, दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन बहुत जल्द ही होने वाला है और इसका यहाँ पे अप्लाई का कोई भी तिथि यहाँ पे नहीं दिया गया है। जैसे ही आपको अप्लाई होना शुरू हो जाएगा तो आपको इस चैनल पे वीडियो भी मिल जाएगा और ये पोस्ट में आपको डिटेल भी मिल जाएगा और डेट भी मिल जाएगा कि इस दिन से आपका अप्लाई होने वाला है। तो यहाँ पे इसका फॉर्म अभी कोई भी अप्लाई होने का सूचना यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन बहुत जल्दी ही इसका आवेदन भी होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है आवेदन को, तो आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और उसका एप्लीकेशन फी के बारे में भी यहाँ पे अभी नहीं बताया गया है। और एज लिमिट की बात कर लें तो यहाँ पे ऑल कैंडिडेट जो मिनिमम लिमिट है वो 18 होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 40 का होना चाहिए। 18 से 40 का यहाँ पे इसका एज लिमिट रखा गया है, आपको मैंने क्वालिफिकेशन भी बता दिया। और यहाँ पे आप पेपर कटिंग भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप पेपर कटिंग आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो जाइए और यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, जहाँ की आपको लेटेस्ट अपडेट जो है जल्दी से जल्दी मिलते रहती है।
जैसा कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि बिहार सरकार की तरफ से जो ये कृषि विभाग में जो बहाली निकाला गया है तो कौन कौन से पदों पर निकाला गया, क्या योग्यता है और कब से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाला है। जैसे ही दोस्तों इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा तो आपको इस चैनल पे जो है आपको वीडियो मिल जाएगा किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिलअप करना है, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पूरा जानकारी मैं इस वीडियो में दे पाया। अगर अगर कोई बात रह गई है तो हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।